अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं एक और कैंडिडेट जिन्होंने वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब के कामयाब जवान प्रोग्राम के ज़रिए इनकी सिलेक्शन हुई है और हम इनसे पहले सबसे पहले इनका नाम पूछेंगे। मैडम, व्हाट इज़ योर गुड नेम? इरम नाम है मेरा। इरम नाम है। अच्छा मैडम, किस फील्ड में आपकी सिलेक्शन हुई है? मेरी सेल्स में हुई है सिलेक्शन। सेल्स में आपकी? तो मैडम, ये क्या क्राइटेरिया इन्होंने रखा था, किस तरह आपकी सिलेक्शन हुई, थोड़ा प्रोसेस हमारे व्यूअर्स को भी बताएंगी आप? ओके, सो बेसिकली मुझे एक फ्रेंड ने इनका एड सेंड किया था, सो मुझे लगा कि काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, सो आज मैं यहाँ पर आई और मैंने इंटरव्यू तो बेसिकली एचआर की पोजीशन के लिए दिया था क्योंकि मेरा मेजर एचआर है, बट दे रेकमेंडेड कि आप सेल्स के लिए ट्राई करें बिकॉज आई हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। सो मैंने इनकी बात मानी और मैंने सेल्स का इंटरव्यू दिया एंड देन दे सेड के आपको हम हायर कर रहे हैं, ऑफर लेटर का अभी मैं वेट कर रही हूँ। सो लेट्स सी। कॉन्ग्रेचुलेशन मैडम, ये कब से आपकी ज्वाइनिंग है, कब से, ये क्या क्राइटेरिया इनको, क्या आप लोगों को बताया गया है कि पहले इंटर्नशिप होगी या क्या है इनका क्राइटेरिया, मजीद क्या है इनका? अभी ये है कि अभी ऑफर लेटर है, उसके बाद उन्होंने बताया कि एक वीक तक आपको कॉल की जाएगी, फिर मजीद चीज़ें फाइनलाइज की जाएंगी और फिर आपकी ज्वाइनिंग होगी, और जब जाहिर है ज्वाइनिंग होगी, अभी एक वीक तक ऑलमोस्ट हमें वेट करना है अपनी ज्वाइनिंग के लिए, फिर बाकी देखेंगे कि आगे क्या जॉब है, कैसे करना है, क्या चीज़ें हैं सारी। मैडम, क्या आपका मशवरा, क्या है, क्या मैसेज है आपका कि गवर्नमेंट को ऐसे ऑर्गेनाइजेशन और ऐसे प्लेटफॉर्म यूथ को मुहैया करने चाहिए मजीद भी? हाँ बिल्कुल, इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव। मैंने ये पहले भी बताया कि यू नो, मैं इमरान खान के एक दो प्रोजेक्ट्स मैंने और भी देखे हैं, वो भी बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, सो इफ़ ही इज़ डूइंग समथिंग गुड सो वी शुड अप्रिशिएट, लाइक इट्स नॉट अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट, बट अगर एक बंदा अच्छा काम कर रहा है तो उसे अप्रिशिएट करना चाहिए, बिकॉज वी नो कि हमारे यू नो, हमारे मुल्क में लोगों को जॉब्स की जरूरत है बट जॉब्स उस तरह से है नहीं, बट इफ़ दीज आर द प्लेटफॉर्म्स, दीज आर द अपॉर्चुनिटीज, सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव एंड यू शुड यू नो पार्टिसिपेट इन दिस। मैडम, इससे पहले कामयाब जवान प्रोग्राम से पहले लास्ट गवर्नमेंट को देखिए, उनकी भी एक स्कीम थी लैपटॉप स्कीम, और इन दोनों के कंपैरिजन किया जाए तो कौन सी स्कीम ज़्यादा यूथ के लिए बेनिफिट रखती है, कौन सी स्कीम से ज़्यादा यूथ ने बेनिफिट हासिल किया? अच्छा, अब इट्स नॉट, हम कंपैरिजन में नहीं जाएंगे, अगर पिछली गवर्नमेंट ने एक काम किया, उनको लैपटॉप्स दिए, इट वाज गुड, ये गवर्नमेंट एक काम कर रही है, जॉब अपॉर्चुनिटी दे रही है, इट्स गुड, वो उस टाइम के लिए अच्छा था, ये इस टाइम के लिए अच्छा, सो हम यू नो कोई एक सिलेक्ट नहीं करेंगे, हम दोनों को अप्रिशिएट करेंगे कि दोनों ने अच्छा काम किया। मैडम, दोनों को आप अप्रिशिएट तो कर रही है, लेकिन हम अगर कुछ नंबर दें, कुछ नंबरिंग करें, तो कौन सी गवर्नमेंट आपके ख्याल में ज़्यादा यूथ के लिए काम करते रही है? अच्छा, उस तरह अगर नंबर देते हैं तो जस्ट फॉर फन, क्योंकि मुझे लैपटॉप नहीं मिला था, सो फिर मैं इस गवर्नमेंट का नंबर दूंगी, यू नो मुझे जॉब जरूर मिल गई है। सही है, थैंक यू मैडम। ओके जी, शुक्रिया।